ऐसे ग्राफ आप आया देखिए नाकफेक्शन, तो फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू कॉटेक्स। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि कॉटेक्स की वैल्यूज जो है, द वैल्यूज ऑफ कॉटेक्स आर नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, उसी तरीके से -5, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसका ग्राफ निकालेंगे। फिर आ गया पाई, देन आफ्टरवर्ड 3π/2, देन आफ्टरवर्ड 2π, ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यू। कम नेगेटिव पार्ट, इट बिकम्स -π/2, इट बिकम्स हियर -5, इट बिकम्स -3π/2, एंड नाउ कम टू दैट साइड इट बिकम्स -2π। सो व्हाट हैपेंस फॉर यू, सबसे पहले वालों में कॉट 0 नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि कॉट 0 मतलब क्या है वैल्यू, cot 0 is nothing but it is a cos 0 divided by sin 0. cos 0 की value 1, sin 0 की value 0. तो 1 by 0 means not defined, मतलब इतना infinite. एक point अगर से समझ में आ गया, 0 पे defined नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आप cot का ग्राफ pi पे भी defined नहीं है, क्योंकि cos pi तुम निकालेंगे तो हो जाएगा, cos pi मतलब क्या, cot pi is nothing but cos pi divided by sin pi. cos pi की वैल्यू अगेन -1 और sin pi की वैल्यू अगेन 0, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये बात याद रखो, अगर से ग्राफ 0 पे डिफाइंड नहीं है तो वो pi पे भी नहीं रहेगा, 2π पे भी नहीं रहेगा, 3π पे भी नहीं रहेगा, ऐसा करते 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 कहा था किसके साइड, नेगेटिव साइड में भी -π पे भी नहीं रहेगा, -2π पे भी नहीं रहेगा, ऐसा दिस बार। तो इसका मतलब ये कहाँ तक डिफाइंड रहेगा, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, ऐसा कहाँ तक, जनरल बात करेंगे तो कहाँ तक, n पाई तक, कैसा है ग्राफ जो है कॉट का डिफाइंड नहीं है, कॉट के वैल्यूज पाई के मल्टीप्लिकेशन में है तो वो पॉजिटिव में रहने दो या फिर निगेटिव में रहने दो, पाई के मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टाइप पे तुम्हारा ये जो n है ना, n बिलोंग्स टू क्या रहता है अपन, जेड, जेड मतलब क्या, इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या, n के प्लेस पर तुम पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे तो तुमको ये साइड के वैल्यू मिलेंगे, जैसे कि 0, n के प्लेस पे 1 रखे तो 1π, n के प्लेस पे 2 रखे तो 2π, n के प्लेस पे 3 रखे तो 3π, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। उसी तरीके से इंटीजर में से अगर से कोई n के प्लेस पे -1 रख दिया तो कितना मिलेगा, -5, n के प्लेस पे कोई -2 रख दिया तो -2π, -3π, एंड सो ऑन। तो ये बात भी मान कर रखो, कल भी मैंने बताया था, अब तुम जवाब में क्या रखेंगे कि अगर से 0 पे कोई ग्राफ डिफाइंड नहीं है तो कहाँ कहाँ पे नहीं, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, या फिर -5, -2π, -3π, ये इतना बोलने की बजाय डायरेक्ट क्या बोलेंगे अपन, कहाँ पर डिफाइंड नहीं हो, n पाई तक, और n कहाँ से लेगी, इंटीजर्स, n इंटीजर्स से क्यों लेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये साइड की वैल्यू मिलेंगी और निगेटिव के लिए वो साइड की वैल्यू मिलेंगी, इसलिए अपन n जो लेंगे वो कैसे लेंगे, अपन इंटीजर में लेंगे, ठीक है। सो दिस इज आज इज फॉर दिस वन। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अपने को ग्राफ कहाँ डिफाइंड नहीं है वो समझना चाहिए, जैसे कि कल टैन का जो ग्राफ था वो 90 पे डिफाइंड नहीं था, ना 5/2 पे डिफाइंड नहीं था, 5/2 पे एक ही वैल्यू देखने का, एक वैल्यू अपने हाथ में आ गई तो बाकी क्या अपन बोल सकते हैं, अगर से ये 5/2 पे डिफाइंड नहीं है तो ये 3 5/2 पे भी नहीं है, 5 5/2 पे भी नहीं है, इसके बाद भी कितना 7 5/2 पे भी नहीं है, ऐसा करते करते कहा था ऑड नंबर आया, क्या लेते अपन 2n+1, ऑड के लिए क्या लेते 2n+1 जीरो पे डिफाइन नहीं है, सीधा समझ में आना चाहिए, एक ही वैल्यू निकालने का, बाकी निकालने की जरूरत नहीं, जीरो पे डिफाइन नहीं है मतलब कहाँ पे डिफाइन नहीं है, पाई पे नहीं है, फिर कहाँ पे 2π पे, जीरो पे नहीं है मतलब पाई पे भी नहीं है वो, 2π पे भी नहीं है, 3π भी नहीं, ऐसे करते करते क्या होता है n पाई तक वो कैसा है डिफाइंड, एक वैल्यू अगर समझ में आएगा 5/2 भी डिफाइंड है तुम डायरेक्ट क्या बोलोगे,
एट पाई बाई टू, तीन पाई बाई टू, पांच पाई बाई टू से लेके यहाँ तक टू एन प्लस वन पाई बाई टू तक ये ग्राफ जैसा है डिफाइंड नहीं है। तो ये समझना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये अब से समझाया मैंने। अब देखो तुम, तो जैसे कि मालूम है तुमको, सबसे पहले एक वैल्यू निकाले अपने कि कॉट जीरो की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो फिर यहाँ पे जब नॉट डिफाइंड है, हम सबसे पहले क्या करेंगे वहाँ पे, देयर टू टेक द डॉटेड लाइंस, है ना, जहाँ पे डिफाइंड नहीं है वहाँ पे क्या लिखते हैं डॉटेड लाइंस। तो यहाँ पे लिखिए डॉटेड लाइंस, ये वाले यहाँ पे डॉटेड लाइंस, जीरो पे डिफाइंड नहीं, ये कहाँ पे नहीं, पाई पे नहीं, तो ये होगा पाई के लिए, ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं रहेगा, टू पाई पे, ठीक है। फिर कहाँ पे डिफाइंड नहीं, नेगेटिव साइड में तो माइनस पाई पे, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइड मतलब क्या था, माइनस का टू पाई, नहीं हो गया। तो अब यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में अगर देखेंगे तो कॉट जीरो की वैल्यू जीरो नॉट डिफाइंड है ना, और मीन सक्सेस फ्रॉम गेटिंग प्राइम, ओके। सो व्हाट वी कैन से दैट हियर, द वैल्यू ऑफ कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज द वैल्यू ऑफ कॉट 90 कितनी रहती, 1 है ना, cos 90 by divided by 0, cos 90 divided by sin 90, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, 0 by 1, 0, मतलब कॉट का ग्राफ यहाँ पे टिकने वाला है, और यहाँ पे कैसा है, डॉटेड लाइन मतलब अनडिफाइंड है, तो ग्राफ कैसा है, अनडिफाइंड मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, ये हायर हायर मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे 90 पे ग्राफ टिकेगा, और यहाँ से फिर निगेटिव वाले के लिए डिक्रीज होगा, ठीक है। अगेन 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, तो ये होगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0, और अगेन और किसी को अगर सारी इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई, अगेन 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितने रहेंगे 0। सो व्हाट वी कैन से दैट इज द ग्राफ इज समथिंग लाइक टू दिस वन, यहाँ पे टिकेगा और दिस, उसके बाद अगेन ये दोनों में डॉटेड लाइंस पे सिर्फ माइनस 90 की वैल्यू 0 है, बाकी दोनों पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा दिस वन, इज द ग्राफ यहाँ पे भी माइनस 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, बाकी इसमें नॉट डिफाइंड है, ग्राफ आएगा। तो कल ही मैंने ग्राफ निकाल लिया था, इसमें सिर्फ अपने बोलने का था डोमेन और रेंज, ग्रुप पे क्वेश्चन में डाला था मगर किसी ने बताया नहीं इसके डोमेन और रेंज क्या है, तो इसे देखेंगे अब डोमेन और रेंज, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट वन, तो फिर ना व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज उसने निकाल लिया था, बोलो यार डोमेन और रेंज क्या है इसका, यस अभी किसी को समझ में आएगा तो डोमेन और रेंज बोल सकते क्या, यस एनीबॉडी जो बच्चे प्रेजेंट है, डोमेन और रेंज क्या रहेगा, डोमेन मीन्स द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, और रेंज मतलब द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, यस एनीबॉडी कोई बोल सकता है डोमेन क्या, यस डोमेन बोल, आवाज देते क्या तुम्हारा, आवाज आ रही क्या, यस नहीं कुछ तो बोलो, हाउ नहीं सर अपन आगे जाएंगे ना, तो फिर पाई नहीं पाई नहीं, इसका डोमेन मतलब देखो, डोमेन मीन्स द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, अब देखो यहाँ पे पूरे वैल्यूज प्रेजेंट है जीरो से लेके तुम्हारे इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकता, और ये क्या ले सकता माइनस इनफाइनाइट से जीरो पे, मगर डोमेन लेते समय क्या करते हैं अपन, पूरे रियल नंबर है नो डाउट, तुम यहाँ पे हर एक रियल नंबर रख सकते, तो आर में से क्या करना पड़ेगा, जहां पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है उतने वैल्यूज क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे नहीं है, पाई पे नहीं है, टू पाई पे नहीं है, थ्री पाई पे नहीं है, माइनस पाई पे नहीं है, माइनस टू पाई पे नहीं है, तो क्या करेंगे आर में से एन पाई माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा डोमेन मिलेगा, मतलब क्या कि पूरे रियल नंबर तुम रख सकते हैं मगर ऐसे नंबर को छोड़ के जिसको पाई को वो मल्टीप्लिकेशन में, तो तुमको मालूम है यहाँ पे कैसे आ रहे पाई के मल्टीप्लिकेशन में क्या है डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइंस का क्या मतलब क्या है कि वो लाइंस पे तुमको y की कोई वैल्यू नहीं मिलती, और y की वैल्यू अगर सिर्फ पे नहीं मिलती होगी तो डोमेन में नहीं आएगा, तो डोमेन में वही वैल्यू लेंगे जो y के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 90 है डोमेन में, अगर अपन x के प्लस पे 90 रखे, देखो समझ के क्या बता रहा हूँ, इसलिए मेरे डोमेन में x के प्लस पे 90 रख दिया cot 90, तो cot 90 मतलब तुमको मालूम है इसकी वैल्यू क्या मिलती है cos 90 divided by sin 90,
cos 90 की वैल्यू को देखेंगे तो 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब जब हम x की वैल्यू 90 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिली। उस तरीके से अगर से तुम cot के प्लेस पे 0 रखें तो वैल्यू कैसी मिलती, नॉट डिफाइंड, y की वैल्यू नहीं मिलती, y की वैल्यू नहीं मिलती इसलिए वो डोमेन में भी नहीं आएगा। तो डोमेन में कौन कौन नहीं आएगा बाबा, तो 0 नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, 2π नहीं आएगा, 3π नहीं आएगा, माइनस साइन जितने भी डॉटेड लाइन्स है ना वो सब वहाँ पे उसके लिए y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वहाँ पे कैसा रहा, इट गोज टू इनफाइनाइट फ्रॉम द राइट साइड, इट गोज टू इनफाइनाइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इसकी वजह से डोमेन कैसा रहेगा, नो डाउट तुम पूरे रियल नंबर्स ले सकते कि तो ये 0π 2π 3π छोड़ दिए, 90 190 390 590 790 790 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अपन सबको नहीं छोड़ सकते, तो खाली क्या करेंगे पूरे रियल नंबर रहेंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सब रियल नंबर रहेंगे, मगर उनमें से कौन से नंबर को छोड़ दिए जहाँ पे y की वैल्यू नहीं आती। y की वैल्यू कहाँ नहीं आती, ये डॉटेड लाइन्स पर, डॉटेड लाइन्स पर करते हैं r माइनस जन पाई, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं आती तो ये डोमेन में से क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसका डोमेन कितना आ गया, आर माइनस जन पाई, मतलब तुम एक्स एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकते मगर उसमें n पाई को छोड़ के, मतलब पाई के मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा प्लस का आने दिया फिर माइनस का आएगा, वहां पर y की वैल्यू नहीं आ रही जिसकी वो पॉइंट डोमेन में नहीं आएंगे, तो डोमेन में r माइनस n पाई आ गया। ठीक है, इसका रेंज अगर से रखेंगे तो रेंज क्या आएंगे, सर देखो रेंज मीन्स द वैल्यूज प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस और द वैल्यूज रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस। तो देखिए y पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे देखेंगे तो इट गोज टू इनफाइनाइट, इट गोज टू इनफाइनाइट, अगेन इट गोज टू इनफाइनाइट, इट गोज टू इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से देखेंगे तो प्लस इनफाइनाइट और यहाँ से देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो। इसकी वजह से इसका जो रेंज है क्या रहेगा, कैपिटल आर, रेंज क्या रहेगा आपका कैपिटल आर, और डोमेन क्या रहेगा, आर माइनस एन पाई से। आएगा समझ में, देखो कल का डोमेन याद है, टेन का डोमेन, अब देखो टेन का डोमेन और इसके डोमेन में क्या फर्क है, देखो एक मिनट, तो ये होगा cot का फंक्शन, tan में सिर्फ फर्क है cot में चेयर ऐसी आती, तो tan में चेयर कैसी आती, ऐसी आती है ना, तुमको मालूम है। तो tan 90 के डोमेन अगर तुमने कहीं सॉरी पहले सुनिए, देखो अगर तुम बगल ग्राफ पे तुम दूंगा और tan 0 की वैल्यू सबसे पहले निकालो, tan 0 की वैल्यू है sin 0 डिवाइड बाय cos 0, तो sin 0 मतलब कितना, 0, cos 0 मतलब कितना, 1, 0 बाय 1 0 मतलब वैल्यू आ रही। अब अगर मैं देखूंगा tan 90 की वैल्यू देखूंगा तो ये मुझे मिलेगी sin 90 divided by cos 90, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब नॉट डिफाइंड। एक बार अगर से मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि ग्राफ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो उसको पकड़ के मैं सब पॉइंट बोलूंगा कि ये पॉइंट पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है। आप देखो मेरे समझ में कि cos सॉरी tan 90 पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है तो आप अपन क्या पकड़ेंगे, एक 90 पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब 3 90 पे भी वो डिफाइंड नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है, 9 पे भी नहीं है, 11 पे भी नहीं है, ऐसे कहाँ तक 2n plus 1 ऑड नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, 2n plus 1 into pi by 2, मतलब ऑड नंबर ऑफ 90 केस में tan का ग्राफ कैसा है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन थी ना कल, इसका वो डोमेन क्या था, पूरे रियल नंबर थे मगर इसमें से इसको छोड़ के ऑड नंबर ऑफ 90 को छोड़ दिया, तो r माइनस l की डोमेन क्या थी, 2n plus 1 into pi by 2, ये होगा tan की डोमेन। और इसके रेंज देखेंगे तो इसकी रेंज भी क्या थी, इसमें सिर्फ चेयर आती ना, ये ऐसी चेयर आती, मतलब इसे देखेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से 0, इंक्रीजिंग है tan का फंक्शन, कैसे इंक्रीज है, निगेटिव वैल्यू से इंक्रीज है, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से प्लस इनफाइनाइट, तो इसकी भी रेंज क्या रहेगी, कैपिटल r। आई फॉर्म tan का डोमेन r माइनस n पाई और कभी cot का डोमेन cot x का डोमेन r माइनस n पाई, उसकी रेंज r, tan का डोमेन r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और इसकी रेंज क्या है, कैपिटल r, क्यों, तो दोनों में ग्राफ y के लिए रुकने के लिए तैयार है, जैसा साइन में बराबर आ रहा था, साइन में कैसा आ रहा था वैल्यू, ऐसा आ रहे थे ना, साइन 0 90 ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसमें y की वैल्यू तुमको समझ में आ रही थी, यहाँ पे 1 था, ये 1 के रेंज में चल रहा, यहाँ पे क्या था माइनस 1, माइनस 1 के रेंज में, तो जैसा साइन और कॉस में था कि यहाँ पे वाई पे 1 आ रहा था माइनस 1 आ रहा था, अपन उसको रेंज में अपन बोल रहे थे कि माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक इसका ग्राफ आ रहा, मगर इसका ग्राफ कैसा बढ़ते जा रहा, 0 से इनफाइनाइट गोस टू इनफाइनाइट, रुकने को तैयार नहीं,
और निगेटिव वैल्यू से भी माइनस इन्फाइनिट से जीरो तक इंक्रीज हो रहा है और फिर जीरो से प्लस इन्फाइनिट इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है, कैपिटल आर, और साइन और कॉस की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस वन से लेके प्लस वन तक। ठीक है, चार ग्राफ परचेस हो गए। अब चलिए कोसेक के ग्राफ की तरफ। कोसेक और सेक का ग्राफ क्या है, सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों फंक्शन का डोमेन है, तीन दिन से चल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तीन दिन से इसलिए मैं इस पर टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आगे सबका बेसिक है, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ग्राफ है, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का, ये तुमको डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी इस ग्राफ का यूज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, हाँ ये सबसे पहले अपना अच्छा सिस्टम देखेंगे, ये डोमेन और ये रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन का डोमेन देखेंगे। साइन फंक्शन का डोमेन क्या रहेगा, और इधर डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, नथिंग बट आर। तुम जीरो से लेके इनफाइनिट, माइनस इनफाइनिट से लेके जीरो, कुछ भी रखो, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं आता, कुछ ना कुछ वैल्यूज आते। साइन जीरो की डोमेन क्या रहेगी, कुछ भी तुम वैल्यू रख सकते हैं, माइनस इनफाइनिट से प्लस इनफाइनिट, सबके लिए वाई की वैल्यू आने वाली है, इसलिए वो पूरे रियल नंबर साइन है। और करेंट क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। इसका ग्राफ प्रॉब्लम बताता हूँ, ग्राफ कैसा है, विस्फल साइन फंक्शन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये आगे बढ़ता चला गया। तो डोमेन आर क्यों लिया मैंने, अपन जो डोमेन आर क्यों लिए, क्योंकि अगर से अपन ने जीरो से लेकर इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, माइनस वन मिलेंगी, जीरो मिलेगी या फिर प्लस वन मिलेंगी। उसी तरीके से ये साइड में चलेंगे तो फिर भी वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस वन मिलेगा, जीरो मिलेगा, वन में। तो वैल्यू रखो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी, माइनस वन आएंगी, जीरो आएंगे या फिर वन आएंगे। इसलिए साइन के डोमेन ही पूरा रियल नंबर आया, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या है, आ पूरे रियल नंबर्स, कहीं पे भी ग्राफ अनडिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं है जहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं आती, कुछ ना कुछ तो आती, वन आती, जीरो आती, नहीं तो माइनस वन। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, आर। और रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल माइनस वन से लेके प्लस वन। उसी तरीके से कॉस का ग्राफ, जैसे ग्राफ ऑफ कॉस, कॉस जीरो की वैल्यू वन, इसका ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हो गया कॉस का ग्राफ, ऐसा बढ़ते जाएगा, ये साइड में भी ऐसा निगेटिव साइड में बढ़ता जाएगा। तो कॉसेस का हम देखेंगे, तो कॉसेस का भी कुछ भी वैल्यू रखो तुम एक्स के, तुमको वाई की वैल्यू मिलने वाली है। इस केस का डोमेन पूरे रियल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, पूरे रियल नंबर्स आएंगे। और रेंज अगर से देखेंगे तो फिर से वही रेंज, माइनस वन से लेके प्लस वन, माइनस वन से लेके प्लस वन, ये हो गया दो फंक्शन साइन और कॉस। ठीक है, अब देखेंगे टेन और कॉट, शॉर्ट में बताता हूँ, याद रखने के लिए, ऐसा नहीं होना कि अपन आगे के ग्राफ देखेंगे तो पिछले के भूल जाएंगे, याद दिलाने के लिए चारों भी एक साथ बता रहा, फिर आगे दो नहीं। अब कौन सा टैन, और टैन के लिए तुमको मालूम है ग्राफ हमारे दिमाग में, ये हो गया जीरो, ये हो गया नाइन्टी, नाइन्टी के लिए मैं डॉटेड लाइन बताऊंगा, यहाँ से एक माइनस नाइन्टी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा था, जिसको सिंपल बता रहा है, एक ही बता रहा है, एक ही, ये तुम्हारा नाइन्टी था और ये तुम्हारा माइनस नाइन्टी के लिए। और आगे जाऊंगा तो क्या आएगा, तीन पाई बाय टू, पाँच पाई बाय टू, सात पाई बाय टू, तो ग्राफ कैसा है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है इसका मतलब क्या, कि जब हम एक्स की वैल्यू नाइन्टी रखेंगे तो उस टाइम पे वाई की वैल्यू अपने को नहीं मिलने वाली है, तो नहीं मिलेगी, जहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी वो डोमेन में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे इसका डोमेन क्या आएगा, टेन का डोमेन आर आएगा। तुम जीरो से इनफाइनाइट रखो या फिर माइनस इनफाइनाइट से जीरो रखो, मगर इसमें से वो नंबर्स माइनस होंगे जहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं आ रही। तो वाई की वैल्यू कहाँ नहीं आ रही, जहाँ पे तुम्हारे डॉटेड लाइन्स है। डॉटेड लाइन्स कहाँ पे है, एक नाइन्टी पे, तीन नाइन्टी पे, पाँच नाइन्टी पे, सात नाइन्टी पे, इलेवन पे, मतलब ऑड नंबर ऑफ नाइन्टी पे। तो आर में से टू एन प्लस वन पाई बाय टू हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू मतलब ऑड नंबर ऑफ नाइन्टी, अगर से रियल में से माइनस करते हैं तो उसके लिए अपने को डोमेन में एक्स की वैल्यूज मिलेगी। और इसके अगर से रेंज का अपन सोचेंगे तो इसकी रेंज क्या रहेगी, कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर, क्योंकि वाई की वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ जीरो पे तो जीरो मिल रहा, टेन जीरो जीरो है, मगर यहाँ से अगर देखेंगे तो वाई पे कोई वैल्यू नहीं मिलती, सीधा इंक्रीज ही हो रहा टू इनफाइनाइट। यहाँ से भी माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक और जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट।
इसका मतलब क्या होगा कैपिटल आर। आगे चलो हो गया पार्ट की तरफ। पार्ट में सबसे पहले ये मालूम होना जरूरी है कि कॉट जो फंक्शन है कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। जीरो पे नॉट डिफाइंड है मतलब तुमको पूरी फैमिली समझ में आना चाहिए। अरे बाबा जीरो पे डिफाइंड है मतलब कहाँ कहाँ नहीं है। जीरो की फैमिली के साथ क्या था, जीरो एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई पाँच पाई माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई जीरो पाई। तो जीरो आया तो उसकी फैमिली अलग और नाइनटी आया तो उसकी फैमिली अलग। तो कहाँ तक करेंगे अपन ये एन पाई तक। एन पाई मतलब जनरल है, कब तक खेलते बैठेगा अपन एक पाई दो पाई तीन पाई अपन जनरल बोलेंगे एन पाई। एन के प्लस पे तुम प्लस वैल्यू रखो तो पॉजिटिव साइड वैल्यू मिलेंगे, एन के प्लस पे माइनस वैल्यू रखे तो निगेटिव वैल्यू मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा इसका, यहाँ पे डिफाइन नहीं है इसलिए सबसे पहले यहाँ पे डॉटेड लाइंस ये चौकीस यस। तो टेन जीरो पे डिफाइन नहीं इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइंस। इसको हम कहाँ पे नहीं पाई पे नहीं फिर कहाँ पे नहीं माइनस पाई पे नहीं। ठीक है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा इसका एकदम सिंपल। 90 पे वाली दिक्कत रहेगी इसकी जीरो, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है मतलब इट गोज टू इन बाय ये ऐसा। फिर यहाँ से नेगेटिव से वैल्यूज इंक्रीज होंगे और ये जाएंगे ऐसा, एक्चुअल ऐसा है इसका कंसेप्ट। ठीक है फिर बाद में क्या अगेन यहाँ से डिक्रीज होगा और यहाँ से राइट वैल्यूज क्या होंगे उसके इंक्रीज होंगे कहाँ तक जीरो पर। तो उसकी चेयर ऐसी मिलेगी इन शॉर्ट, पॉट की चेयर ऐसी और टैंक की चेयर ऐसी। चेयर क्वेश्चन अब आया इसका मेन डोमेन और रेंज। मैंने क्वेश्चन पूछा था मगर तुमने कल नहीं बोले, कोई बात नहीं नहीं समझाऊंगा तो इसलिए मैंने डबल से लिया इसको। अब कॉट की डोमेन पर सवाल आया तो डोमेन में हम क्या देखते हैं एक्स के वैल्यूज देखते हैं। तो एक्स के वैल्यू में अपन कुछ भी रह सकते हैं, पूरे रियल नंबर रह सकते हैं मगर उसमें से वो नंबर हम हटा देंगे जहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं आती। तो वाई की वैल्यू कहाँ नहीं आती डॉटेड लाइंस पे। तो डॉटेड लाइंस मतलब कौन से जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई ऐसे कहाँ तक एन पाई तक। तो इसका डोमेन क्या रहेगा रियल नंबर में से एन पाई हटा देंगे और एन कहाँ से एन बिलोंग्स टू जेड, जगह नहीं रहेगी का तो लिखना पड़ेगा एन बिलोंग्स टू जेड एन बिलोंग्स टू जेड। और इसका रेंज देखेंगे तो ग्राफ कहीं रुकने को तैयार नहीं है, यहाँ से इनफिनिटी जा रहा है और यहाँ से माइनस इनफिनिटी से जीरो और जीरो से इनफिनिटी। वाई के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही, जीरो तो दोनों का कॉमन है, जीरो दोनों का कॉमन एक्स पे भी है और वाई की भी। तो जनरली एक्स पे जो वाई की कोई वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पर इसलिए ये होगा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ, चार के चार ग्राफ बताया, डबल से बताया, दोनों में कंपेयर करके बताया कि डोमेन कैसे लेंगे। डोमेन में हम किसके किसका सोचेंगे किसके बारे में एक्स एक्सिस के बारे में कौन सी वैल्यू लेंगे जिसके लिए वाई के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही। अगर से वैल्यू नहीं आती होंगी तो उतने नंबर हम उसमें से क्या करेंगे माइनस। और इसका जो रेंज है मतलब वैल्यूज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, जैसा वहाँ पे था कॉस में भी था साइन में भी था वैल्यूज आ रहे थे मगर टेन पार्ट में कई ग्राफ रुकने को तैयार नहीं है जो कहते हैं लार्जर एंड लार्जर वैल्यू इसके रेंज कितना है। चलो फिर आगे अब हम ला देखेंगे अपन कोसेक और रेंज सेक। ठीक है तो ये बता दो समझ में आ गया और अपन लास्ट में शेक इसे देखेंगे। पीरियड जो है उसका पीरियड है पाई, तब बताया था मैंने टैन का भी पीरियड पाया कॉट का भी पीरियड पाया। देखो साइन का पीरियड टू पाई कॉस का भी पीरियड टू पाई, टैन का पीरियड पाई है तो कॉट का पीरियड क्या रहेंगे पाई पीरियड से। चलो कोसेक की पाई इक्वल कोसेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी ग्राफ में डेंजर वैल्यूज निकालेंगे। डेंजर वैल्यूज मतलब ऐसे वैल्यूज जहाँ पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले हम डेंजर पॉइंट निकालेंगे तो देखेंगे सबसे पहले जीरो रख के देखेंगे अपन y इज इक्वल टू कोसेक जीरो। कोसेक जीरो मतलब वन अपॉन साइन जीरो, वन अपॉन साइन जीरो मतलब वन बाय साइन जीरो कितना जीरो, वन बाय जीरो मीन्स समझना एक ही इसमें एक ही झटके में समझना। एक झटके में क्या समझना है कि कोसेक जो है कोसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। एक ही वैल्यू केवल सिर्फ एक ही वैल्यू निकालने का तुम आप समझ सकते हो। जीरो पे डिफाइंड नहीं है इसका मतलब कहाँ कहाँ नहीं है बोलो, जीरो पे नहीं है इसका मतलब वो पाई पे नहीं है, वो टू पाई पे नहीं है, वो थ्री पाई पे नहीं है ऐसा कहाँ तक, या फिर माइनस पाई पे नहीं है माइनस टू पाई पे नहीं है ऐसा कहाँ तक एन पाई। एक ही पॉइंट निकालने का एक पॉइंट पे समझ जीरो पे एक तो जीरो पे आएगा
in third order derivative jitne bhi trigonometric function mila do hi possibility ek to graph zero pe not defined rahega ya fir pi by 2 pe ek hi point rahega graph zero pe nahi defined hai to uska to aapko solve karna chahiye wo n pi tak kaisa hai pure pi ke liye kaisa hai not defined theek hai to iska solve karna hai ki aap jo dotted lines lenega wo kahan pe lenega zero se leke 0 pi 2 pi 3 pi x lenega minus ke chalo se lete hain apne graph और cosec 0 कैसा है नॉट डिफाइंड है इस पे से अपन पूरा ग्राफ निकाल सकते हैं देखो सर वाला ग्राफ पूरा है मगर cosec अब sec दोनों के ग्राफ कैसा है सेम है तो देखो ओके फाइनल मान लीजिए तो 0 आगे अगर जाएगा तो ये 5/2 ये 5 ये 3/5/2 एंड 2/5 प्लस सफिशिएंट ये फाइंड आगे तो माइनस का पाई बाय 2 माइनस का 5 माइनस का 3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई बाय 6 तो अब जैसे कि तुम्हारे समझ में आया कि ग्राफ जो है तुम्हारा कहां पे डिफाइंड नहीं है जीरो पे ग्राफ जहां पे डिफाइंड नहीं वहां पे हम डॉटेड लाइंस लेंगे वी विल सो फ्रॉम अदर चॉकपीस हियर हमारा चॉकपीस यूज करने का ट्राई करेंगे अपन चॉकपीस लेके नीचे दे रहा था ओके इस सफिशिएंट तो देखो तो जीरो पे डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये होगा जीरो डॉटेड लाइंस ले रहे अपन जीरो पे नॉट डिफाइंड ठीक है फिर कहाँ पे ले रहेगा फाइव पे नॉट डिफाइंड फिर कहाँ पे नॉट डिफाइंड टू पाइव पे नॉट डिफाइंड नेगेटिव साइन में आता माइनस फाइव पे नॉट डिफाइंड देन माइनस टू पाई शेयर बढ़िया अब क्या करेंगे यहाँ पे फॉर दैट रीजन नाउ ये अब देखो यहाँ पे नॉट डिफाइंड अब देखो तुमको मालूम है cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1 cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1 1 मतलब कहां पे देखो तो यानी वन द x एक्सिस का 1 cosec 90 की वैल्यू 1 है और cosec 3 पाई बाय 2 की वैल्यू देखेंगे वो कितनी है -1 ये वैल्यू तुमको याद होना चाहिए cosec 0 तो नॉट डिफाइंड है उसको छोड़ दो cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1 है और cosec 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है -1 मतलब यहां पे -1 जाएगा यहां पे कहीं पे -1 चलो सब ग्राफ निकालिए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा हम लोग इसको सम अदर चॉकपीस कलर का देखा चॉकपीस सही कहने में चलो ठीक है कोई बात नहीं सही निकालिए सब तो यहाँ पे देखो कोसेक जीरो पे नॉट डिफाइंड कोसेक पाई पे भी नॉट डिफाइंड मगर कोसेक 90 की वैल्यू कितनी है 1 मतलब ग्राफ पे यहाँ पे आने वाला है 1 cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1 तो ग्राफ कैसा है और यहां पे कैसा है नॉट डिफाइंड यहां पे भी कैसा है नॉट डिफाइंड मतलब कैसा दिखो एकदम सिंपल ग्राफ ऐसा है नॉट डिफाइंड मतलब ये गोस टू इनफाइनाइट यहां पे वैल्यू कितनी 1 अगेन इट गोस टू इनफाइनाइट कम टू दैट पॉइंट यहां पे कितना है फिर तुमको सब के शेप में मिलेगा और अगर हो गए ये तुमको कैसे मिलेगा कप के शेप में मिलेगा लाइक ठीक है अगले वैल्यू देखेंगे तो ये इंटरवल में यहाँ पे आया अगले इंटरवल में उसके बाद में देखते तो 3 पाई बाय 2 वैल्यू कितनी रहती -1 इसके उस नीचे मतलब तो एक का ऊपर 0 से पाई में ऊपर तो पाई से 3 पाई बाय 2 में क्या है नीचे इसके बाद में नहीं आता तो ठीक है तो 3 पाई बाय 2 वैल्यू कितनी -1 मतलब यहाँ पे 3 पाई बाय 2 वैल्यू -1 यहाँ पे नॉट डिफाइंड है नॉट डिफाइंड यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड टच नहीं होने का डोंट टच इट इसको टच नहीं होने का
तो वहां पे कैसा है फंक्शन नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि आगे नहीं में ऐसा। ठीक है, अगला कब अगर से समझ में आऊंगा तुमको, आगे वैल्यू क्या आएंगी, आगे वैल्यू 3π/2, यहाँ पे जितना आगे समझ में और अंदर से देखा ये कितना लेना बने 5π/2 लेके 3π, तो वैल्यू से देंगे 5π/2 की वैल्यू अगेन 1 मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे भी कैसा ग्राफ नॉट डिफाइंड, तो अगली वैल्यू कैसे आएंगी कब ऐसा आएंगे तुमको। चलो नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में आएंगे तो 0 से लेके -5 में -90 की वैल्यू निकालो ना, कोसेक -90 की तरह था, कोसेक -90 मतलब 1/sin -90, sin -90 की वैल्यू -1, तो 1/-1 कितना आ गया -1, एकदम सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे तुम, कोसेक -90 की वैल्यू -1, यहाँ पे जब आप टिकेगा और यहाँ पे बहुत सी लंबा एक कप, देखो ना ये इनको वैल्यू मालूम नहीं ना, एक कप भी तुम्हारे दिमाग दिमाग में आएगा ये, तो इसके साथ तुम बाकी ले सकते, एक कप ऊपर ये इंटरवल में, ये इंटरवल में कप नीचे, फिर कप ऊपर फिर नीचे, नीचे ऊपर डिस्काउंट अल्टरनेटली। अब देखो यहाँ पे कप आया तो उसके बाजू में आएगा क्या, नहीं तो सिर्फ -90 के लिए कितने से -1 ये नीचे, तो 100% अगला कप आएगा ऊपर मतलब क्या, और सिर्फ -3π/2 के लिए लिखेंगे तो ये कितने आएंगे +1, तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, आगे इंटरवल में देखेंगे तो ये ऊपर है, अगला कप आएगा नीचे ऐसा, इसमें सिर्फ एक तुमको मिल गया तो उसको पकड़ के तुम बाकी भी तुम निकाल सकते, ये ऊपर आएगा पहले तो निकल आता तुमको, ये आ गया 100%, दूसरा उसके बाजू में नहीं, दूसरा कहा नीचे, तीसरे इंटरवल में ऊपर अल्टरनेटली, फिर नीचे फिर ऊपर लाइक दैट, यहाँ पे है तो निगेटिव साइड में यहाँ पे बाजू में आएगा क्या, नहीं क्या आएगा नीचे, फिर अल्टरनेटली ऊपर, फिर अल्टरनेटली नीचे, नहीं तो वैल्यू तुम निकालो तुमको 100% आएगा, सिर्फ शॉर्टकट बता वैल्यू तुम निकालो तुमको 100% ऊपर और नीचे आने वाला है। ठीक, तो इसमें ग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ग्राफ में एक तुमको इम्पोर्टेंट है इसका डोमेन और रेंज, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट वर्ड, इसी की अगर से समझ में आया ना तो इसका मुझे डोमेन और रेंज बोलो, एक मिनट अब लिखते हैं डोमेन, इसका कोई डोमेन और रेंज मुझे बताओ, टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, टेल मी डोमेन, डोमेन के मैंने बताया डोमेन, तो कोई कुछ अब तो डोमेन क्यों बोलेंगे, यस कौन लिखे थे आर्यन, R-N5, वेरी गुड नाइस, R-N5 बराबर है, ये पूरे रियल नंबर्स डोमेन में क्या आएंगे, पूरे रियल नंबर्स मगर 0 से लेके पाई 2π पे डिफाइंड नहीं है, तो उतने पॉइंट क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, क्योंकि वहां पर वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, वाई कैसे जा रहा इनफाइनाइट की तरफ, वाई का जा रहा इनफाइनाइट की तरफ, इसलिए R-N5 वेरी गुड। नाउ What about the range? Yes, बोलो range. Range क्यों बोल सकता हूँ? Domain तो बोल दिया अच्छे से मतलब good, nice. Now tell me what about the range? Range means देखो तुम्हारे दिमाग में आ रहा थी. Range means values presented on y-axis. Yes, what is the answer? Minus मतलब नहीं ऐसा नहीं. ठीक है, good try पर ऐसा नहीं देखो. 90 पे value 1 है मगर यहाँ से देखेंगे तो ये जीरो, पहले जीरो पे देखो उससे जीरो जो है ना, यस व्हाट इज द आंसर शुभम, यस वेरी गुड शुभम बरोबर गुंगाने का आंसर राइट गुड शान, तो कैसे रहेंगे यहाँ पे यहाँ से लेके जीरो पे देखेंगे तो बिजली देंगे यहाँ तक और फिर यहाँ से इंक्रीज मतलब इन पॉइंट जा रहा है यहाँ से, ये दोनों भी इन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं मगर यहाँ पे 1 पे वैल्यू आ रही है ना, कोसेक 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे नो डाउट इनफाइनाइट की तरफ जाएगा मगर इसमें से आर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, मगर वैल्यूज कैसे आ रही, एक तो 1 आ रही उसे 90 की वैल्यू 1 है, उसे 3π/2 की वैल्यू -1 है, मतलब वाई की वैल्यू जा रही है ना, यहाँ पे ग्राफ ठीक रहे ना, वाई के लिए 1 वाई के लिए -1, तो क्या करेंगे और बाकी सब पूरा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, 1 और -1 तो यहाँ पे छोड़ दिए, तो यहाँ से यहाँ तक गाड़ी वैल्यू उसके आगे क्या इनफाइनाइट, आगे क्या जा रहा है इनफाइनाइट, इसे क्या करेंगे रियल नंबर तो आएगा मतलब इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू जा रहे मगर इसमें से दो वैल्यूज को छोड़ के, किसको 1 और -1 को छोड़ के, तो इसकी जो रेंज है पूरा इनफाइनाइट आएगा मगर किसको छोड़ के 1 और -1 को छोड़ के, क्योंकि तो उसके आगे ग्राफ क्या जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा मतलब रियल जा रहा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो आर में से क्या करेंगे -1, 1 को छोड़ के, और ये इंपॉर्टेंट क्या है
ओपन इंटरवल क्यों नहीं अपन ने, क्योंकि इनको छोड़ के है, अगर से क्लोज इंटरवल रहता तो इनको पकड़ के रहता था इस वन, तो आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, इंटरवल भी इम्पोर्टेंट है इसके प्लेस पर, तुम अगर से क्लोज से किया तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत होगा, डोमेन में चले, डोमेन मतलब क्या, पूरे रियल नंबर्स आएंगे, मतलब ग्राफ अगेन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा मगर उसमें से वन और माइनस वन को छोड़ गए, तो आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन से वन इनको छोड़ के बाकी सब ग्राफ कहाँ पे जा रहा, इनफाइनाइट की तरफ आ गया, एक कप ऊपर एक कप नीचे, एक कप ऊपर एक कप नीचे। अब 100% इतनी गारंटी, पांच ग्राफ बताने के बाद छठा ग्राफ तुमसे कप को निकालेंगे, देखो सिर्फ ग्राफ इस वन में आ सकते हैं, इस जगह प्रॉब्लम दो महीने का आर माइनस एन पाई और रेंज कितना है, ये भी इनफाइन की तरफ जा रहा है, ये भी इनफाइन की तरफ जा रहा है, मगर कहाँ पे ग्राफ टिके वाला है, वन के तरफ, थ्री बाई वन टू बिलीव वेरी फाइन माइनस नंबर, रेंज गोज टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो पूरे रियल नंबर रहेगी, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट रहेगी मगर उसमें से माइनस वन का प्लस वन को छोड़ के, क्योंकि उसका वैल्यू वहाँ पे ग्राफ टिक रहा, ठीक लास्ट ग्राफ बहुत जीरो से चल रहे थे, बाकी ग्राफ का आ गया, तो सिक का ग्राफ जल्दी जल्दी बोलो, सिक का ग्राफ सबसे पहले सिक्स जीरो निकालेंगे, डेंजर पॉइंट निकालेंगे, सिक्स जीरो वन बाय कॉस जीरो, कॉस जीरो इज नथिंग बट जीरो, वन बाय जीरो मीन्स नाइन, कॉस जीरो उल्टा हो गया, वन अपॉन कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन बाय वन वन, क्या बराबर है, सिक जीरो मीन्स वन अपॉन कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन बाय वन वन, डेंजर पॉइंट नहीं मिला, सेक 90, सेक 90 मीन्स वन अपॉन कॉस 90, वन अपॉन कॉस 90 मतलब कितना, वन बाय जीरो, चलो खत्म है ना, कांग्रेचुलेशन मुबारक, नया पॉइंट आपने तो मिल गया, डेंजर पॉइंट बोले नहीं।